रूस और यूक्रेन के दो नागरिक एक साथ कृष्ण की भक्ति में डूबे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश तिवारी, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के दो नागरिक एक साथ कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं, एक साथ संगीत गा रहे हैं, कृष्ण जन्म का जश्न मना रहे हैं। यह नजारा देखने को मिला रीवा में, जहां इस्कान मंदिर द्वारा आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में दोनों दुश्मन देश के नागरिक एक साथ कृष्ण भक्ति में डूबे कीर्तन करते नजर आए। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हर मंदिर से लेकर घर घर में आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता और गीत संगीत का आयोजन किया गया है। रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में जन्माष्टमी मनाई जा रही, जहां देश विदेश के भक्त पहुंचे हैं। इस्कान सेंटर रीवा के हेड दामोदर सखा दास ने बताया कि यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, नाइजीरिया के भक्त रीवा पहुंचे हैं, जिनके द्वारा कृष्ण कथा, नृत्य, संगीत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां के दो नागरिक एक साथ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही संयुक्त राष्ट्र बनाया जा रहा है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। So, Bhagopal Prabhu has been doing kirtan for many decades in various parts of the world. तो प्रभु जी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कई वर्षों से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभु जी रशिया में, यूक्रेन में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सालों से कीर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी इतने वरिष्ठ भक्त हैं, उसके बाद भी एक छोटे से शहर रीवा में आए हुए हैं। On my left side, we have a devotee called Paramananda Krishna Prabhu. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रभु जी बैठे हैं, प्रेमानंद कृष्ण प्रभु इनका नाम है। He is from Ukraine. और प्रभु जी यूक्रेन से आए हुए हैं। Hello, hello. प्रभु जी is from Russia. प्रभु जी रशिया से आए हुए हैं। हरि बोल। So the beauty of ISKCON is that in ISKCON there is no war. तो ISKCON की सुंदरता यह है कि भौतिक संसार में रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति अलग अलग देश से आए हैं, फिर उनके बीच में बहुत प्रेम है। मैं ISKCON रीवा का हेड द्वारा आज संगीत का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे देश विदेशों से भक्त आए हुए हैं और यहाँ पे भव्य प्रोग्राम रखा गया जन्माष्टमी के उत्सव के उपलक्ष्य में। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे शहर में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन रीवा में हम जिस स्तर में अभी मना रहे हैं, अभी तक रीवा में इस स्तर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम नहीं हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम का अभी विदेशियों के द्वारा संगीत, विदेशी भक्तों द्वारा संगीत का कार्यक्रम, साथ में भगवान का अभिषेक चल रहा है, और इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, जिसमें मुख्य रूप से वृंदावन से आए हुए एक महाराज जी हैं, हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु, उनके द्वारा कथा होगी। उसके बाद फिर बच्चियों के नृत्य का प्रोग्राम होगा, और फिर उसके बाद कुछ अभिनय का प्रोग्राम रखा गया है बच्चों के द्वारा। किस देश से भक्त यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे यूक्रेन, रशिया, अमेरिका और नाइजीरिया, चार देशों के लोग आए हुए। देखा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है करीब 1.5 साल। जी जी। इसके बावजूद यहाँ पे दोनों देश के नागरिक इकट्ठे हुए। हमारे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में अगर कोई संयुक्त राष्ट्र बना सकता है तो भक्त है ना। भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति जोड़ सकता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम सबके पिता भगवान कृष्ण हैं। तो जब एक पिता की सभी संतानें हैं, तो उनके बीच में कोई संबंध विच्छेद होने का संबंध नहीं होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज गेस प्राणेश्वर को, जो वृंदावन से आए हुए हैं और जो यहाँ पर भागवत कथा भी करेंगे आज। दामोदर सखा दास। ए भैरो